फेब्रुआरी 1905 को पॉल हैरिस नाम के एक अमेरिकन को अपने चार दोस्तों के साथ बैठे एक ख्याल आया कि दुनिया में कितना तनाव है और वो तनाव से बाहर आने के लिए आदमी आदमी के काम आ सकता है, आदमी आदमी के साथ कुछ शेयर करके अपना तनाव कम कर सकता है। तो उन्होंने चार जन ने मिलके एक ऐसी संस्था का निर्माण किया। आगे चलते 1920 से ख्याल आया कि भाई हम तो तनाव मुक्त हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे अभी कई लोग हैं जो तनाव मुक्त नहीं हुए, कई लोग अभी दुख के अंधेरे में घेरे हुए हैं। तो फिर प्रोजेक्ट्स लोगों के लिए कुछ सोशल वर्क करना चालू कर दिया और आज लास्ट 100 सालों से लोगों के लिए पूरे दुनिया में 24 घंटे एक रोटेरियन कहीं ना कहीं लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। अभी का मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो नेपाल में अभी जो अर्थक्वेक आया, तो हमारे कई रोटेरियंस आज भी वहाँ हैं, अपने काम और धंधे छोड़ के वहाँ लोगों की मदद के लिए जुट गए हैं। तो ये रोटरी का काम है और रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली पिछले 26 वर्षों से बोरीवली तथा उसके आसपास के एरिया में अविरत लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं अंधेरा है तो उसको उजाला लाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी एक मातुश्री मंजुलाबेन दौलतराय देसाई रोटरी बोरीवली आई बैंक है, जिसमें हम लास्ट 7 सालों से 600 से भी ज़्यादा अंध व्यक्ति के जीवन में उजाला लाए हैं। वैसे कई प्रकल्प है जिससे हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों के कुछ काम आ सके। रोटरी में हमारी आज की मेंबरशिप स्ट्रेंथ 153 पर्सन्स की है। रोटरी में अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो आमंत्रित किए जाते हैं, आपको किसी की रेफरेंस की ज़रूरत होती है और आमंत्रित करने के बाद, बोर्ड में पास करने के बाद आप विधिवत उसका आपका इंडक्शन होता है और फिर आप रोटरी के मेंबर्स बन सकते हैं। हमारी हर वीक में एक मीटिंग रहती है जिसमें हम अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुलाते हैं जो अपना नॉलेज मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो है वो जो फेलोशिप पे चालू हुआ था, वो फेलोशिप के बरकरार रखने के लिए मीटिंग्स की जाती है और फेलोशिप के द्वारा हम मेंबर्स के बीच में बॉन्डिंग बढ़ाते हैं और मेंबर्स एक दूसरे के काम भी आते हैं और ज़्यादातर सुख आनंद बांटते हैं, लेकिन दुख में हमेशा साथ रहते हैं। वैसे कई एग्जांपल है और आप कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं भी जाके रोटरी की मेंबरशिप में है आपके पास, तो आप रोटरी की कहीं क्लब में मेंबर की मीटिंग चल रही है तो आप जाके अटेंड कर सकते हैं। आप कहीं दुनिया में गए और आप कहीं दुख में, आप कहीं तकलीफ में आ गए तो वहाँ के लोकल रोटेरियन को भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यहाँ हम अभी पब्लिक सेमिनार जैसे करते हैं वैसे कई पब्लिक सेमिनार्स करते हैं, वोकेशनल सर्विसेज देते हैं लोगों को। रोटरी का एक पहलू है कि हम किसी को अन्न नहीं देते हैं, अन्न कैसे बनाना चाहिए उसके लिए हम मदद करते हैं। एक बार अन्न दिया, दो बार दिया, कितनी टाइम दे सकेंगे, लेकिन अगर हम उसको पगभर कर सकेंगे तो वो आदमी आगे चल के अपने परिवार को भी पगभर कर सकता है। तो वो जो है क्वालिटी वो रोटरी की है। उसके बाद हम यहाँ एजुकेशन के लिए हमने कई सारे प्रकल्प रखे हैं जिसमें हम जो समाज के स्लम्स वर्ग के विद्यार्थी विद्यार्थिनी उनको पढ़ाने के
लिए हमने ये बार एसएससी के कोचिंग क्लासेस, जो बाहर के बच्चे हैं, जो अच्छे घराने के बच्चे हैं, उनको प्राइवेट कोचिंग क्लास तो मिल सकता है, लेकिन हमारे जो स्लम्स के बच्चे हैं उनको कंपटीशन में टिके रहने के लिए ये जरूरी है कि उनको भी वैसा ही साधन संपत्ति मिले जो वो बच्चों को मिलते हैं, जिनसे उनके परसेंटेज बढ़ सके और वो कंपटीशन में टिक सके। इसीलिए हमने 140 बच्चों को ये बार यहाँ ज्ञान प्रकाश कोचिंग क्लासेस पुष्पामा फाउंडेशन के साथ में दिया, और हमने देखा कि जो 60% जिसको आते थे वो 70 आने लगे, 70 आते थे उनको, मतलब 10% की वृद्धि होने लगी। वैसे कई प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, रूरल में जाके करते हैं। 31 मई को हम एक बड़ा 2 से 3 हजार आदमी लग के लिए मेडिकल चेकअप का जवाहर में बड़ा सा मेडिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पानी की सुविधा देते हैं, चेक डैम बनाते हैं। तो ऐसी कई सारी सेवाएं हम देने की कोशिश करते हैं, और वो सेवा में आप सभी आए हुए सभी का हमें साथ मिलता है। तो ये सब हमारी रोटरी की गतिविधि था।